अस्सलाम वालेकुम। हाय। वाह 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 वाह, क्या ड्रेस है। लेकिन तुम पे नहीं जचता। बच्चे बिल्कुल नहीं ना। आपके वो वाले ड्रेस कहाँ? बैग में रखे आई हो क्या? वो छोटे 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 स्मॉल स्मॉल। क्या कह रहे हैं? नाचने आई हो ना, यहाँ की रौनक बढ़ाने। चुचा दीपा बार की सबसे पटाका और तीखा बार डांसर। देखिए ये शरीफ लोगों की शादी है। अरे शरीफ लोगों की शादियों में भी तवायफे नाचती है, हैं? तवायफ का मतलब समझती है ना? वही वैश्या रंडी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, हम इनके डांस के लिए कब से इंतजार करें और आप इन्हें कुछ नहीं बोलते? ये हमारे मेहमान है। मेहमान? ये तुमने चीचा को नहीं बताया? मतलब तुमने चीचा को ये भी नहीं बताया होगा कि आप बॉम्बे के सबसे मशहूर अंडरवर्ल्ड भाई के आइटम हो। रखेल है? बुआ की रखेल। चीचा नहीं जानते आप तेरे बुआ को? पर हमारे ही प्लान हम पे उल्टा पड़ गया। वो बाहर तो निकले लेकिन गलत जगह पे और गलत टाइम पे। शमशेर, एक बार, सिर्फ एक बार तुम इतना याद रख सकते हो कि एक पुलिस वाले होने से पहले किसी के पिता हो, पति हो तुम किसी के। सलाम अलैकुम मियां। ए छाटू, अपुन से फाइट करने के लिए बॉडी बना ला है? क्या लग रही है रे तू? ए तू ही क्या था ना मेरे तन्नू से शांत पट्टी करने? क्या बुआ छोड़ ना, अभी अपुन सिर्फ बात करने को आया है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं फैमिली के साथ हूँ। मैं भी यही सोचा, फैमिली। अब उनकी भी फैमिली है। फिर खान अब उनकी माँ को धमकाने क्यों गया? क्या वो सही था? आइंदा मेरी बीवी और बेटे को छुआ तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। इतनी गर्मी मत खा, मत खा इतनी गर्मी। बेटा अंदर जा। अपनी नहीं तो अपनी बीवी बच्चे के बारे में सोच। अरे इंशाल्लाह अपन तेरी लाइफ बना देगा यार। ये डबलिंग बोल रहा है यार। पोस्टिंग पोस्टिंग, प्रमोशन प्रमोशन। रुकड़ा बोल, नोट रहेगा ना तो आइटम को मनाने को सकेगा। इसी बॉडी बनाने से वापस नहीं आएगी। QRC आएगी क्या? ए बुआ आएगी रे, अपुन के पास आएगी। आएगी ना रे खजूर। सुन रे, तू बड़ा घर ले, लंबी गाड़ी ले, बोला कितना चाहिए रे? मैं बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। तुम जैसे जितने हरामजादे इस शहर में पैदा होते हैं उन सबकी एक फाइल बन के मेरे ऑफिस में आती है। अब इतनी फाइल्स हो गई है कि पैर रखने की जगह नहीं। ऑफिस साफ करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आदमी खत्म तो फाइल्स खत्म। साला बॉम्बे पुलिस का ऑफिस ही जितना छोटा है और आप उन यहाँ अखा बॉम्बे को अपना ऑफिस बना के बैठे हैं। हमारे पास जो कुछ भी है अल्लाह का दिया हुआ है। अरे यार हम उससे बहुत खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना बाकी की जिंदगी जेल में काटोगे। अपुन जेल जाएगा। डबलिंग तेरे को जेल जाने का है क्या? क्या जेल में? अपुन को भी नहीं जाने का है। मत जाओ ना, मत जाओ ना जेल। ला मेरा रिवॉल्वर दे, ठोक देता हूँ तुम। ए इतना हुल मत दे। ए क्या करेगा बे? हैं क्या करेगा तू? अबे जा बे, ये करके चल बेंच मारने दे चल। अबे तेरी तो साला अखा बेंच तेरे अंदर घुसेड़ देगा। ए बुआ छोड़ ना, बाद में देखते रहे साले को। चल जाता है, लेकिन जाने से पहले एक बात बोलेगा। ये
ये गेम अपन लोग का बीच में है, इसमें फैमिली का कोई काम नहीं। तुम लोग अपन की फैमिली से दूर रहो, अपन तुम लोग की फैमिली से दूर रहेगा। तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, मारो या मरो। क्या एनकाउंटर करेगा? तुम पुलिस वाले भी पब्लिक को क्या मस्त शेंडी लगाते हो। साला किसी भी टपोरी को उठा के गली में टपका डालने का, मुर्दे के हाथ में घोड़ा फिट करने का, और फिर अगले दिन टीवी पे बमा बम पब्लिक सिटी। बॉम्बे पुलिस ने घमासान एनकाउंटर में खतरनाक मुजरिम को बहादुरी से उड़ाया। तुम लोगों के भेजे में बात तो जाती नहीं है, सिर्फ गोली जाती है। और देखना, एक ना एक दिन तुम्हारी लाश किसी गली में पड़ी मिलेगी। वो गली दोनों तरफ से खुलती है खान, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं भी, शायद अब उन फिर मिलेंगे, शायद नहीं। लेकिन एक बात बोलेगा, तेरे से मिलके अब उनको अच्छा लगा। सारा एक पुलिस वाला तो है जिसकी वर्दी में आज भी मेरा भारत महान। इतनी देर बात कर लिए तो ये मत समझना कि गोली मारने से पहले मैं एक सेकंड भी रुकूंगा। गोली अपन की भी चलेगी, शायद तेरे से पहले चलेगी। मुंबई। क्या सोच के गए थे कि खान डर जाएगा? अरे खान 26 लोगों को उड़ा चुका है अब तक, और तुम 30 30 अब उन लोगों ने 30 को उड़ाया। अगर तुम सबको उसने उड़ा दिया तो उसके 31 हो जाएंगे। तो क्या अपन क्या डरेगा क्या उससे? कब से अपन को उंगली दे ले ला है? कभी इसका आई, कभी अपन का छावी को उंगली दे रहा है। अपन क्या हिजड़ा है क्या इधर बैठकर गाएगा? आइयो बल्ली। ए, तुम लोग सड़क के गुंडों की तरह सोचना कब छोड़ोगे? यही तो खान चाहता है कि तुम सबका भेजा सरके और अपने अपने अड्डों से बाहर निकलो और उसके निशाने पे आ जाओ। और इसीलिए तुम सबके घर वालों को वो और उसके आदमी धमका रहे हैं। रोहिणी है ना? यही चाहती थी ना तुम? हाँ। ये लो साइन करो, खत्म करो। इतना आसान है तुम्हारे लिए शादी तोड़ना? ये शादी तो कब की टूट चुकी है रोहिणी। आई एम सॉरी। सॉरी? और किस किस चीज के लिए सॉरी कहोगे तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? तुम्हारी बेटी अपने एग्जाम में पहली बार फेल हुई है, चार चार दिन घर नहीं आते, मेरा फोन नहीं उठाते। रोहिणी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पुलिस वाले की नौकरी कैसी होती है। कैसी होती है? कुछ बताते तो मैं समझने की कोशिश करती ना। क्या बोलता मैं रोहिणी कि रोज किस तरह की चीजों के साथ डील करना पड़ता है मुझे? वो गैंगस्टर जो चंद हजार रुपयों के लिए किसी का मर्डर कर देता है, वो टेररिस्ट जो किसी के गले में टायर लटका कर उसे बीच सड़क में जला देता है, और वो बाप जो अपनी 5 साल की बेटी का बलात्कार करता है। ये बताओ मैं तुम्हें, इन सब चीजों को मैं घर के बाहर छोड़कर तुम्हारे पास आता था ये सोचकर कि तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। रोहिणी घर आ जाओ प्लीज, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस।